नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त देवाशीष। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। मेरे स्पीकर चिका चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को अभी शॉर्ट वीडियो मिल रहा है वीडियो चैनल के ऊपर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा जो काम का प्रेशर है और रिपेयरिंग का काम है, तो आज आया हुआ है एक आहूजा का एक डुप्लीकेट एम्पलीफायर, आप बोल सकते हो। या आहूजा का 160 वाट का एक डुप्लीकेट एम्पलीफायर है, जिसमें साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका साउंड टेस्टिंग आप लोगों को सुनाएंगे। और ये जो एम्पलीफायर है ना, इसको आप लोग खोलोगे तब आपको पता चल जाएगा ये वाला एम्पलीफायर है डुप्लीकेट। और इसका जो ओरिजिनल वाला क्यूआर स्कैनर भी आता है, बाहर में एक रहता है, उसको आप स्कैन करके भी देख सकते हो। और डुप्लीकेट में वो वाला नहीं आता है। ठीक है, तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान यही चीज़ होता है। और भी थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग है, आप लोग ओरिजिनल अगर देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं आप लोगों को इसका जो फॉन्ट है वो दिखा रहा हूँ, और आप लोग जो ओरिजिनल है उसका भी देख लेना। ये आप लोग मान के चलिए डुप्लीकेट का ही, ये डुप्लीकेट का वीडियो है। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है एवरेज ठीक ही है, और ये जो प्राइस है लगभग आपका ओरिजिनल से 5 से 4 हज़ार रुपये कम में मिलता है ये वाला डुप्लीकेट एम्पलीफायर। और कम दाम के मिलने का एक ही कारण है, इसके अंदर जो कॉपर जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है और जो कोड इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी बहुत सारा गिरावट है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्सएलआर जो सॉकेट है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देख सकते हो आप लोग। तो यही चीज़ है। तो आशा करता हूँ अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग साउंड सुनाएंगे। ठीक है, NCS का गाना प्ले करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा लग जाएगा यहाँ पर, आप लोगों का लग जाएगा कॉपीराइट। तो और यहाँ पर आसपास ही कोई बंदा बजा रहा है भाई, थी तो हम लोग ये चला दिया। और ये देख सकते हो साउंड कैसा आ रहा है। ठीक है, एकदम घटिया आ रहा है, लेकिन इसका जो दिक्कत है वॉल्यूम अप करने से दिक्कत चला जा रहा है। जो प्रॉब्लम है वो वाला है हमारा, ये वाला वॉल्यूम को चेंज करना है। तो मैंने इसको खोल के ही रखा है, इसका जो वॉल्यूम है इसको चेंज कर दूंगा और ये वाला प्रॉब्लम दिक्कत सॉल्व हो जाएगा, और कुछ नहीं है। और आप लोगों को मैंने ये वाला वीडियो, छोटा सा वीडियो अपडेट आप लोगों को मैंने दे दिया। और इसका जो शॉर्ट वीडियो है वो भी हम जो हमारा चैनल है स्पीकर चेकर 2.0 उसमें हम लोग डालेंगे। और आखिर में जय हिंद वंदे मातरम, फिर से मिलता हूँ नए इंटरेस्टिंग वाला वीडियो लेकर। और चैनल में जुड़े रहे, क्योंकि और भी वीडियो आने वाला है। ठीक है।